फ्री फॉल, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर क्या, ग्रेविटी, हेडिंग डाल लीजिएगा। अच्छे समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, ध्यान समझो, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा कोई बॉल है, ठीक, एक बॉल है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो करोगे तो किसी न किसी वेलोसिटी थ्रो करोगे, बॉल ये गई, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, मान लो यहां पे बॉल आके इससे ऊपर नहीं गई, इससे ऊपर नहीं गई, तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने वेलोसिटी दिया था, सर यहाँ पे तो आपने क्या दिया था, वेलोसिटी दिया था, बॉल के पास क्या था, वेलोसिटी थी, जब तक वेलोसिटी थी तब तक चली, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई सर, जीरो हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, तो इसका मतलब है कि बॉल इससे ऊपर अब नहीं जा रही है। तो हम अगर कहेंगे कि वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो इस बॉल ने अगर ध्यान से देखो तो क्या बनाया, तो कहोगे सर इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, इससे ऊपर अब बॉल हाइट अटेन नहीं कर सकती, बोलो सही है कि नहीं, समझ गए। यस सर, इसको हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे, अपवर्ड मोशन कहेंगे, कैसा है ये, अपवर्ड, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि बॉल को हम क्या कर दें, छत पे ऐसे खड़े हो और छोड़ दें, छत पे क्या कर रहे, खड़े हो और छोड़ दें, तो बॉल क्या होगी, बॉल डाउनवर्ड मोशन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, और बॉल देखोगे जैसे, हाँ, बॉल जैसे ही जमीन पे गिरेगी तो आप ये पाओगे कि बॉल क्या है, किसी न किसी वेलोसिटी से, जब बॉल को छोड़ोगे तो उस समय तो बॉल तो इनिशियली रेस्ट पे रही होगी ना, और जब बॉल नीचे गिरी होगी तो किसी वेलोसिटी से गिरी होगी कि नहीं, ये कौन सा मोशन है बच्चों, डाउनवर्ड, ठीक। अब देखो ध्यान से, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी आपने सुना होगा, जी कहते हैं जिसको, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक। अब हम ये बात करते हैं कि ये सर, ये जो अगर हम बॉल को ऊपर फेंके चाहे नीचे फेंके, बॉल के पास तो अपना सर मास होगा, सर वेट किस तरफ लगेगा या ग्रेविटी एक्ट किधर करेगी, तो आप कहोगे सर ग्रेविटी तो सर नीचे ही लगेगी क्योंकि अर्थ तो नीचे दिख रहा है, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे ग्रेविटी किधर एक्ट करेगी, नीचे, और अगर बॉल को अगर सर हम छत पे छत से छोड़ भी देंगे तो भी ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे, बोलो सही समझ में आया, ठीक। यस सर, अब देखो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो बॉल ऊपर जा रही है, बॉल किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऐसा हो रहा है, बॉल ऊपर जा रही है और ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, नीचे, और यहां अगर ध्यान से देखो तो बॉल किधर जा रही है, नीचे जा रही है और ग्रेविटी किधर, तो ऐसा अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे बॉल ऊपर जा रही है, यहाँ पे बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा कोई पैर पकड़ के खींच रहा हो, जैसे सपोज करो, ऐसा नहीं लग रहा है, हम तो ऊपर जा रहे हैं, कोई एक है जो मुझे क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, ऐसा लग रहा है ना, ग्रेविटी ही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो हम तो नीचे की ओर जा रहे हैं और ग्रेविटी भी किधर एक्ट कर रही है, नीचे की ओर एक्ट कर रही, तो ऐसा नहीं लग रहा कोई मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, समझ में आया कि नहीं इतना। यस सर, तो बॉल को जब ऊपर फेंके तो हमें लग रहा है कि उसकी वेलोसिटी को कम किसने किया, उसकी वेलोसिटी को क्या किया, अगर हम अपवर्ड मोशन में देखेंगे तो ऊपर जाते जाते मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और अगर हम डाउनवर्ड मोशन देखेंगे तो नीचे आते आते अगर हम बात करेंगे तो जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ऐसा है कि नहीं, इतनी बात समझ गए। अब देखो कुछ साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, मोशन की अपनी इक्वेशन सबको पता होगी, होगी कि नहीं। पहली इक्वेशन क्या होती है, v is equal to u plus at, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s is equal to ut plus half at square,
हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यस। अब यहाँ पे जो सिंबल्स हैं उसको पहचान लो। वी अगर हम देखेंगे तो वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है। यहीं पे पहले जो चीज है उसको ध्यान से समझ लो, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू भी अगर हम बात करें तो यू भी हमारी क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ए हमारा क्या है यहाँ पे, तो हम कहेंगे सर ए तो मेरा एक्सेलरेशन है। और बहुत बच्चे एस में कंफ्यूज रहते हैं, एस याद रखना, एस यहाँ पे लिखा था वो डिस्टेंस नहीं, यही तो गलती करते हो, डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी गलती मत करना। और टी क्या होता है, टाइम होता है। एस क्या है कहोगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसमें से जितनी भी क्वांटिटी है, देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। तो इसमें जितनी भी क्वांटिटी लिखी है ध्यान से देखो तो सभी वेक्टर होगी, सभी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी अगर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होगी। बोलो सही, समझ गए कि नहीं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझो, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब। तो देखो अगर कोई भी क्वांटिटी अपवर्ड जा रही है, कोई भी क्वांटिटी किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उसको क्या लेंगे, आंख बंद करके पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड है, हमें कोई चीज डाउनवर्ड दिख रही है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक। राइट हैंड साइड जा रहे हैं इधर तो पॉजिटिव, और इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव। ध्यान से समझना। तो अगर हम इधर बात करें, इस वाले अपवर्ड मोशन में बात करें, तो अपवर्ड मोशन में अगर ध्यान से देखो तो मेरा जो यू है वो किधर की ओर है, तो कहोगे सर यू तो ऊपर की ओर है, तो हम कहेंगे यू को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, तो तुम कहोगे सर यू ऊपर की ओर है, आप ही ने बताया है कि ऊपर की चीज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। हमने बोला एच, कहोगे सर एस तो ऊपर जाने पे बन रहा है, एस तो ऊपर जाने पे बन रहा है, सर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है ग्रेविटी, तो कहोगे सर ग्रेविटी तो नीचे दिख रही है, दिख रही कि नहीं, तो ग्रेविटी अगर नीचे दिख रही है तो सर किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। बोलो सही है, समझ गए। यस यस। अब इधर आओ, यहाँ पे अगर मैं पूछे सर वेलोसिटी बताइए, अगर मैं यहाँ पूछा वेलोसिटी, तो तुमको सर यहाँ तो वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे की ओर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे बात आई सर ये एच बन रहा है, एच भी किधर है, एच भी नीचे की ओर दिख रहा है सर, तो एच भी किधर लेंगे सर, नीचे की ओर है, तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है सर, नीचे ही की ओर एक्ट कर रही है, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इतनी चीज समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो जो क्वांटिटी ऊपर की ओर है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो क्वांटिटी नीचे की ओर है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब हम इसमें मोशन की इक्वेशन लगाएंगे। हम मोशन की इक्वेशन लगाते हैं, हम क्या ये देखते हैं कि बॉल को सर ऊपर फेंकें तो भी बॉल उतना ही समय लेती है, और बॉल को नीचे फेंकें तो भी क्या उतना ही समय लेगी नीचे आने में। मान लो बॉल को हमने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, बॉल किसी हाइट तक गई, कुछ समय ली, और उसी हाइट से जमीन तक आने में सर क्या बराबर ही समय लेगी, कहने के लिए समझो। अब ध्यान से देखो, अगर हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं, ठीक, देखो इधर से शुरू करें बच्चे, देखो इधर v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। अब यहां पे ये देखो ध्यान से समझना, फ्री फॉल बिल्कुल ध्यान से समझना, आ जाएगा कभी समझ लो, इतना अच्छा कंसेप्ट सीख जाओगे फ्री फॉल का। ये आपका इनिशियल, ये क्या है, फाइनल है। अब ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, जीरो है सर, जीरो रख दिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सर यहाँ पे तो यू दिख रही है, ऊपर की ओर है सर, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बोलो सही। अब चले एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन तो यही ग्रेविटी ही होती है ना फ्री फॉल में,
ग्रेविटी को क्या कहते हैं भाई? इतना तो जानते होगे, सभी लोग जानते होगे कि जो ग्रेविटी होती है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है? ग्रेविटी होता है। और सर ग्रेविटी किधर की ओर लग रही? नीचे की ओर लग रही, तो माइनस जी हो जाएगा। और आगे सर समय, सर मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? टी वन समय लगा। कितना समय लगा? टी वन। तो हमने लिखा T1. तो यू अगर इधर चला गया तो माइनस यू, और ये क्या? माइनस जी टी वन हो गया। माइनस से माइनस कट गया तो टी वन की वैल्यू कितनी हो गई? यू अपॉन जी। टी वन की वैल्यू कितनी आ गई? यू अपॉन जी। बोलो सही? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड, हम थोड़ा बीच से पार्टीशन कर दें। ठीक, ये अपवर्ड हो गया। अब सर, हाँ सर, ये जो सेकंड कंडीशन आपने डाउनवर्ड वाला दिखाया है, हाँ, वहां पे जी आपने माइनस क्यों लिया है सर? क्योंकि जी तो जी बॉल तो नीचे आ रही है। देखो जी, हमने नहीं, हमने आपसे क्या कहा कि जो चीज ऊपर दिखे उसको प्लस ले लो, जो चीज नीचे दिखे उसको माइनस ले लो। ठीक, समझे कि नहीं? बाकी अगर कोई और तरीके का कन्वेंशन आप करोगे तो गलती करोगे। ठीक है, बुक में अलग तरीके से दिया रहता है, मगर हम आपको ऐसा काम करते हैं कि आप कभी गलती मत करो। ठीक है, तो आप सिंपली ये देखो ना कि U अगर ऊपर दिखा तो हम प्लस ले लेंगे, H अगर ऊपर दिखा तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, G तो हमेशा, चाहे बॉल को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, G तो हमेशा नीचे ही लगेगी ना। सोच कर, जी कभी ऊपर लग सकता है? जी तो हमेशा नीचे, तो जी को हमेशा हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हम इधर का पोर्शन थोड़ा मिटा के हम इधर का टाइम देखते हैं। इतनी चीज समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। अब चलो, अब हम देखते हैं नीचे आने में कितना समय लेगा। अब हम देखेंगे कितना नीचे आने में कितना टाइम टेक होगा। ठीक, चलो देखो, एक सेकेंड बस। अब देखो, मान लेते हैं नीचे आने में कितना समय हमने लिया? T2 समय लिया। नीचे आने में कितना समय लिया? T2 समय लिया। चलो, V is equal to कितना होता है? U plus AT। ठीक, अब देखो, अगर हम नीचे आए तो ये तो मेरा इनिशियल बना, और ये जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हमारा फाइनल बना। बना कि नहीं बना? तो इनिशियल में अगर देखो, ध्यान से देखो, तो इनिशियल में आपकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इनिशियल की वेलोसिटी क्या है? जीरो। और फाइनल में आपकी वेलोसिटी देखो v है कि नहीं है? फाइनल में आपकी वेलोसिटी v है। प्लस लेंगे कि माइनस? बोलो सर। माइनस। माइनस। माइनस ले माइनस लेंगे। माइनस। एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी। एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी। और समय हमने कितना लिया बच्चों? T2। माइनस से माइनस करेंगे तो v अपॉन कितना हो गया? जी। तो हमें बॉल कितनी देर में नीचे आई ये पता चल गया। तो देखो, बॉल कितनी देर में ऊपर गई ये पता चल गया, और बॉल कितनी देर में नीचे आई हमें ये पता चल गया। ठीक, इतनी चीज समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो आगे। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, हम थोड़ा वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसको मिटा दें। यस सर। यस सर। ठीक है, yes, अब देखो ध्यान से, अब हम थोड़ा सा आपको एक चीज, ये तो समझ में आ गया ना, T1 is equal to U by G है और T2 is equal to V by G है कि नहीं है? अब हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं वेलोसिटी के बारे में कि सर देखिए, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फ्री फॉल में हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्या सर उसी वेलोसिटी से बॉल नीचे भी गिरती है? ऐसा मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं। चलो, मोशन की तीसरी इक्वेशन हम देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। कंफर्म? इधर भी लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कंफर्म? ठीक, इस सिचुएशन में अगर देखो तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी सर मेरी तो u है, ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन में तो सर हम प्लस लेंगे। ठीक, आगे चले,
एक्सेलरेशन सर क्या होगा? माइनस जी. एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी. सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है एस, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो मेरा देखिए गेन तो ऊपर जा रही है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर होगा, और ऊपर होगा तो आप ही ने बताया कि एच क्या ले लें, प्लस ले लें. एच किस में ले लें? प्लस में ले लें. ठीक, समझ गए. अब ये यू स्क्वायर हो जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस यू स्क्वायर होगा, और इसको माइनस टू जी एच बोलेंगे कि नहीं, माइनस से माइनस कट गया तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन टू जी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया. ये एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी. अब डाउनवर्ड मोशन में देखो सर, डाउनवर्ड ये फाइनल वेलोसिटी है, तो डाउनवर्ड मोशन में अगर ध्यान से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो ध्यान से, तो जीरो है सर. फाइनल वेलोसिटी सर नीचे की ओर है, तो आप ही ने बताया नीचे की चीज को हम नेगेटिव लेंगे. ठीक, आगे चले. एक्सेलरेशन अगर बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी. एक्सेलरेशन कितना है सर? माइनस जी. अब सर बॉल नीचे आ रही, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की ओर हो रहा है, तो जो एच हम लेंगे वो क्या लेंगे? माइनस एच लेंगे. अब माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर सर आएगा टू जी एच. सर एच की वैल्यू जो मेरी आएगी वो तो आएगी वी स्क्वायर अपॉन टू जी. एच की जो वैल्यू आएगी वो वी स्क्वायर अपॉन टू जी. अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को इक्वेट कर दें, इधर से एच की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन टू जी दिख रही है, और इधर से एच की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन टू जी दिख रही है. 2g से 2g गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर गया, तो अगर हम देखें तो क्या पाएंगे, v इज इक्वल टू u पा लेंगे. इसका v इज इक्वल टू क्या पा गए? u पा गए. इसका मतलब ये हो गया कि जिस वेलोसिटी से हम बॉल को फेंक रहे थे, जिस भी वेलोसिटी से हम बॉल को फेंक रहे थे, उसी वेलोसिटी से बॉल किधर आ रही है? नीचे आ रही है. सपोज करो अगर कोई बॉल है, अगर हम उसको 10 मीटर पर सेकंड में से आसमान में फेंकते हैं, तो बॉल जब गिरेगी नीचे आएगी बॉल, तो भी किस वेलोसिटी से आएगी? जब बॉल नीचे आएगी तो भी किस वेलोसिटी से आएगी? 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगी. इतनी बार समझ गए कि नहीं सर? हाँ यस सर. जरूरी है सर जिसने स्पीड से हम ऊपर फेंके उतनी स्पीड से नीचे आए? हाँ देखो ये इक्वेशन सर नीचे आते समय तो जी की वैल्यू लग जाएगी सर. हाँ तो यही देखो, जी तो दोनों केस में लग रहा है, मगर इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन ने क्या रिजल्ट दिया? v इज इक्वल टू यू. v इज इक्वल टू कितना? यू. अगर सोचो बॉल को जब ऊपर फेंकोगे तो बॉल ने सपोज करो, मान लो बॉल ने कितने मीटर हाइट अटेन की, सपोज करो 50 मीटर बॉल ने हाइट अटेन करी. अब जो 50 मीटर अटेन भी करेगी तो बॉल अगर नीचे आएगी, ग्राउंड पे आएगी, तो बॉल कितनी मीटर नीचे आएगी? तो कहोगे सर बॉल तो फिर भी 50 मीटर नीचे आएगी. तो इसका मतलब है कि सर हमने अभी इक्वेशन में देखा और निकाला भी कि बॉल को अगर जिस वेलोसिटी से हम थ्रो करेंगे, यू वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, तो उसी वेलोसिटी से क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी. इक्वेशन तो यही बता रही है ना, v इज इक्वल टू यू. देखो यहाँ पे हम u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे थे, और यहाँ पे बॉल किस वेलोसिटी से नीचे आ रही थी? v वेलोसिटी से. तो दोनों अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्या बता रही है? इक्वेशन यही बता रही है ना कि दोनों वेलोसिटी क्या है? बराबर है. तो इतना दिमाग में माइंड सेट कर लो बिल्कुल, कि अगर बॉल को अगर हम जिस भी वेलोसिटी से जमीन से फेंकेंगे, उसी वेलोसिटी से जमीन पे अर्थ पे वापस आएगी. एक कंडीशन बस उसको ध्यान में रखना, एक कंडीशन कि एटमॉस्फियर हम बच्चों नहीं लेते हैं, एटमॉस्फियर नहीं. ये पूरी पढ़ाई हम लोग किस में करते हैं? वैक्यूम में करते हैं. किस में करते हैं? अगर हम एटमॉस्फियर लेंगे, अगर हम एटमॉस्फियर लेंगे तो क्या आना शुरू हो जाएगा? तो कहोगे सर एयर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा. क्या आना शुरू हो जाएगा? एयर रेजिस्टेंस, जिसके वजह से उसमें चेंजेस आ सकते हैं. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से क्या होगी? बॉल नीचे आएगी. इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर. सबको क्लियर हो गई? यस सर. हमको नहीं हुई सर. यस सर. अब मिटाएं इसको. अब देखें क्या समय भी बराबर लग रहा है क्या? थोड़ा चेक करें टाइम, देखें बराबर लग रहा है क्या. मिटाएं इसको, रब करें, इरेज कर दें सर. हमको समझ नहीं आया.
क्या चीज नहीं समझी बताओ सर? ये जो आपने इक्वेशन बनाई इधर की सर, v square u equals to u square वाला, ये दोनों साइड बनाया, फिर इसको बताया कि इक्वल है, वो वाला समझ नहीं आया सर, तो एक बार और समझा दीजिए। फिर से समझो, ठीक है, इसको फिर से रब, सब लोग फिर से ध्यान से समझिए, अच्छे से समझो, ध्यान से देखो। एक सेकेंड, h तो समझ में आ गया ना, हाइट निकालना समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। अब हाइट निकालना समझ में आ गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, ठीक, अब देखो इस वाली कंडीशन में हाइट कितनी आई? u स्क्वायर बाय g। इस वाली कंडीशन में हाइट कितनी आई? v स्क्वायर अपॉन g, ठीक सर। इस वाली कंडीशन में आप बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हो, बोलो सही सर। जब हम इस वाली कंडीशन में देख रहे हैं तो बॉल किस वेलोसिटी से गिर रही है? v वेलोसिटी से गिर रही है कि नहीं है? यहाँ हम थ्रो किससे कर रहे हैं? u से कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉल गिर किससे रही है? v से गिर रही है। अगर इधर जो थ्रो कर रहे हैं और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे यही प्रूव होता है कि जिस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया उसी वेलोसिटी से बॉल क्या हो गई? गिर गई। अगर सपोज करो u इज इक्वल टू v आ जाता है, u इज इक्वल टू v आ जाता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करके, तो इसका मतलब क्या? मान लो आपने u मतलब समझ लो ये जैसे ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो अगर u को अगर हम देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका, U की वैल्यू सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अब इस इक्वेशन से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो V की वैल्यू क्या होगी सर? 10 ही आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि सर अगर हम मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करें, ठीक, तो इस इक्वेशन में अगर U की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड रखे तो V की वैल्यू भी तो सर 10 ही आ जाएगी, और V तो सर ये यहाँ पे है, तो V की वैल्यू भी सर कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगी। ये कहाँ से आया? हाँ बोलो सर, आपने इसको एक केस ले लिया, इसको दूसरा केस ले लिया है। हाँ, मतलब गेंद को ऊपर फेंका और गेंद नीचे आई, दोनों केस एक साथ ही है ये, ठीक। तो अगर दोनों में तो हाइट सेम है ना, तो u स्क्वायर अपॉन 2g हो गई हाइट, और इधर से अगर h देखें तो h इज इक्वल टू h इक्वेट कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड अगर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वेट करोगे तो राइट हैंड बराबर हो जाएगा, तो v स्क्वायर 2g हो जाएगा, और 2g से 2g कटा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो ये दोनों इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो इस इक्वेशन ने क्या रिजल्ट दिया? तो क्या रिजल्ट दिया कि u इज इक्वल टू क्या होगा? v होगा। समझ गए? हाँ सर। बिल्कुल दिमाग बैठा लो कि सर जिस वेलोसिटी से फेंका जाएगा उसी वेलोसिटी से बॉल किधर की ओर आएगी? नीचे की ओर आएगी। अब थोड़ा टाइम टेकन के बारे में देखो, जरा टाइम टेकन समझो, एक सेकेंड, ठीक। अब देखो टाइम टेकन, अगर अपवर्ड कंडीशन में हम टाइम टेकन देखेंगे तो कितना आ रहा है? यू अपॉन जी आ रहा था कि नहीं? अपवर्ड कंडीशन में टाइम मेरा कितना आ रहा है? यू अपॉन जी मैंने डिराइव किया था शुरू में, और डाउनवर्ड कंडीशन में अगर हम देखें तो मेरा टाइम कितना आ रहा है? वी अपॉन जी आ रहा है कि नहीं? बोलो सही है सब लोग, ठीक। अभी हमने तुरंत देखा है, अभी हमने देखा है कि u इज इक्वल टू कितना है? v है। u इज इक्वल टू कितना है? v है। तो v की जगह क्या पुट कर सकते हैं? u पुट कर सकते हैं। v की जगह क्या पुट कर सकते हैं? u पुट कर सकते हैं। बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। ये t2 हो गया, और u by g अगर देखो तो u by g की जगह क्या रख सकते हैं? t1 रख सकते हैं कि नहीं? तो u by g की जगह क्या रख सकते हैं? t1 रख सकते हैं। तो आपने इस इक्वेशन से देखा कि t2 इज इक्वल टू कितना आ गया? t1 आ गया। इसका मतलब है कि सर t1 तो जब बॉल ऊपर जा रही थी तो समय टेक कर रहा था, t2 का मतलब तो बॉल जब नीचे आ रही तो समय टेक। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जितना समय बॉल को ऊपर जाने में लगेगा, जितना समय बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय बॉल को नीचे आने में लगेगा, नीचे आने में लगेगा। यहाँ पे रिजल्ट आपने देखो दो रिजल्ट पाए, ठीक। पहला रिजल्ट क्या?
कि u इज इक्वल टू क्या होगा, v होगा. दूसरा रिजल्ट क्या पाया कि t1 इज इक्वल टू क्या होगा, t2. इतना दिमाग में बिल्कुल डाल लो कि जितनी वेलोसिटी से आप फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से बॉल नीचे आएगी, जितना समय ऊपर जाने मिलेगी उतना ही समय नीचे लगे आने मिलेगी. ठीक, इतना चीज समझ गए कि नहीं? हाँ सर. यस सर. अच्छे समझ में आया? यस सर. तो ये बच्चों रहा फ्री फॉल. ठीक है, आप चाहे तो फ्री फॉल का वीडियो भी यूट्यूब में मैंने बनाया हुआ है, ध्यान से जाके उसको देख लेंगे. कल जो हमारा डिस्कशन होगा इस पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे. ठीक है, वही जो मोशन इन वन डायमेंशन की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने बताया हुआ है, फ्री फॉल का वीडियो. yes, तो उसको देख के आइएगा कल, तो हम इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे. ठीक, चलिए कल मिलते हैं. कल मिलते हैं सर. किसका किसका वीडियो देखना है? बस यही मोशन अंडर ग्रेविटी बस देख के आइएगा. और फ्री फॉल का? ये दोनों एक ही चीज है, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल एक ही चीज है. ओके सर. सर क्लास कितने बजे होगी? थैंक यू सर. कल संडे देखिए, कल हम देखिए ना हो तो क्लास अरेंज करेंगे तो मैसेज कर देंगे. ठीक है, नहीं तो मंडे उसी टाइम पे होगी अपने 10 बजे. ठीक. ओके सर. ठीक, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.